अच्छा, गंगा स्नान करके कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं। अच्छा, क्या डुबकी लगाए? क्या डुबकी लगाए? पांच डुबकी। और गंगा स्नान हो गया? हाँ, गंगा स्नान हो गया, बहुत अच्छा से हो गया। हाँ, क्या डुबकी लगाए? पांच डुबकी लगाए हैं। बाकी व्यवस्था यहाँ मेला में कैसा है? बहुत अच्छा है व्यवस्था, बहुत अच्छा व्यवस्था, बहुत अच्छा व्यवस्था। चलिए, ये क्या डुबकी लगाए? हम पांच। अच्छा, पांच डुबकी का सुनते हैं बड़ा महत्व होता है। हाँ, बहुत ज्यादा महत्व है। पांच डुबकी कहते हैं, पांच डुबकी लगाने के बाद ही सूर्य को अर्घ दिया जाता है, जल दिया जाता है। अच्छा, कितना हाथी है? हाथी नहीं है। ए, तो यही ना हम पूछ रहे थे कि हाथी नहीं। अच्छा, पहले हाथी कभी देखे थे क्या? हम लोग पहले हाथी देखे थे। आप सभी को हरिहर नाथ मंदिर से हर हर महादेव। आज है कार्तिक का पूर्णिमा, और कार्तिक के पूर्णिमा के शुभ दिन के शुभ अवसर पर आज यहाँ पर गंगा और गंडक के संगम पर डुबकी लगा करके काफी लाखों की संख्या में भक्त लोग बाबा हरिहर नाथ मंदिर का, बाबा हरिहर का दर्शन पूजा करने के लिए आ रहे हैं। ये हम तस्वीरें आपको सीधा दिखाते चलते हैं। यही वो लाइनें हैं, ये आप देख लीजिए, दो लाइन है। बड़ी अच्छी व्यवस्था करी गई है। इस व्यवस्था के अंतर्गत आप देख सकते हैं दो लाइन है, एक महिला के लिए एक पुरुष है। एक भक्त आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? छपरा जिला। अच्छा, कैसी व्यवस्था है? चलते चलिए, कैसी व्यवस्था है? अच्छा व्यवस्था है, व्यवस्था बढ़िया है, बढ़िया है। और डुबकी क्या बार लगाए? कितना डुबकी लगाए? पांच छह बार डुबकी लगाए हैं। बाकी व्यवस्था भी बहुत अच्छा है। जितने भी लोग आ रहे हैं सबसे हम बातें करते चलते हैं। एक दादाजी है, दादाजी कहाँ से आ रहे हैं? बहुत दूर से आ रहे हैं। कैसी व्यवस्था है? व्यवस्था कैसा है? ठीक है। कहाँ दादी लोग, चाची लोग, आप लोग? चलिए देखिए, यहाँ पर जो व्यवस्था करी गई है, दो लाइनें बनाई गई है, एक महिला के लिए एक पुरुष के लिए। बड़ी अच्छी व्यवस्था है और बड़ा ही सुगम दर्शन हो रहा है। सुगम दर्शन के लिए जितने भी लोग मंदिर में प्रवेश करते जा रहे हैं, ये लगातार लाइनें बढ़ रही हैं। ये लगातार जो है सो आप लाइनें देख सकते हैं, बड़ा ही तेज गति से ये लाइनें सीधे मंदिर के गर्भगृह में जा रही हैं। दो लाइनें बनाई गई है और ये सुंदर व्यवस्था कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का आपाधापी नहीं हो, हड़बड़ी नहीं हो। इसके लिए एक महिला के लिए अलग लाइन है, पुरुष के लिए अलग लाइन है। व्यवस्था भैया जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव। कहाँ से आ रहे हैं? फुलवरिया से। कैसा व्यवस्था है? सही है। चलिए, व्यवस्था बहुत अच्छी है और जितने भी भक्त लोग आ रहे हैं सबकी मनोकामना पूर्ण हो। हम लगातार तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, हरिहर नाथ मंदिर में दर्शन पूजा करने के लिए जा रहे ये जो लाइनें हैं ये लगातार चलती जा रही हैं। चाचा जी कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली से। कैसी व्यवस्था है यहाँ पे? बहुत बढ़िया व्यवस्था है। और स्नान घाट के लिए बहुत वहाँ पे अच्छा व्यवस्था। कितना डुबकी लगाए? जितना इच्छा किया डुबकी, 10 बार, 5 बार, 7 बार खूब नहाए। हाँ हाँ, चलिए, दिल्ली से आए हैं ये चाचा जी, दिल्ली से आए हैं और बड़ी अच्छी व्यवस्था का तारीफ कर रहे हैं। क्यों तारीफ ना हो, ये दो लाइनें जो बना दी गई है, एक महिलाओं के लिए अलग लाइन है, पुरुष के लिए अलग लाइन है। छोटे छोटे बच्चे भी लगातार आ रहे हैं। बात करें बाबू, इधर जा, साथ में है। क्या नाम रहता? कहाँ से आ रही है? गंगा लहा नहाली। क्या बार डुबकी लगाई? चलिए चलिए, बच्चे हैं और ये सुगम व्यवस्था की जो है सो बात करते हैं। पता है आपको? हाँ। कितना हाथी है? हाथी नहीं है। ए, तो यही ना हम पूछ रहे थे कि हाथी नहीं। अच्छा, पहले हाथी कभी देखे थे क्या? हम लोग पहले हाथी देखे थे। हाँ। चाची, हर हर महादेव। हर हर महादेव। कहाँ से आ रही है? धुरवा से, रांची से। रांची से। हाँ। गंगा स्नान हो गया? हाँ, कैसी व्यवस्था है? अच्छा है। चलते चलिए, सही बात है, चलते चलिए। और हम लगातार ये लाइनें आपको सीधे तौर पे जो महिला का लाइन है वो दिखा रहे हैं। कुछ महिलाओं से हम लगातार बातें भी करते चलते हैं। कुछ भैया लोग, चाचा लोग भी महिला के लाइन में लग गए हैं। क्यों लग गए हैं महिला लाइन में? गलत कर रहे हैं आप लोग, ये महिला लाइन है, है ना? नहीं, वो पूछ रहे हैं। अच्छा, ना ना, गलत है। चाची कहाँ से आई हैं? हम उड़ीसा से आए हैं। उड़ीसा से। गंगा स्नान हो गया? कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत बड़ा अच्छा लगा। बड़ी अच्छी व्यवस्था है, इस व्यवस्था की तारीफ होनी चाहिए। एक दीदी, क्या नाम रहता है अपना? गुड़िया सिंह। कहाँ से आती हैं? रक्सौल से। कैसी व्यवस्था है? बहुत अच्छा व्यवस्था है, बहुत अच्छा व्यवस्था है। चलते रहिए। और गंगा स्नान हो गया? हाँ, गंगा स्नान हो गया, बहुत अच्छा से हो गया। हाँ, क्या डुबकी लगाए? पांच डुबकी लगाए हैं।
पांच डुबकी लगाए हैं। बाकी व्यवस्था यहाँ मेला में कैसा है? बहुत अच्छा है व्यवस्था, बहुत अच्छा व्यवस्था, बहुत अच्छा व्यवस्था है। चलिए, ये तारीफ होनी चाहिए। लगातार जो है सो हम आपको सीधे तस्वीरें के माध्यम से दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये महिला का लाइन है और वह पुरुष की लाइन है। दो लाइन इसलिए बना दी गई है कि किसी भी प्रकार का आपाधापी, किसी भी प्रकार का हृदंगबाजी नहीं हो, इसलिए दो लाइनें बनी है। और जितने भी लोग आ रहे हैं गंगा स्नान करने के बाद, जितने भी लोग मंदिर को जा रहे हैं, सब ने यही कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी व्यवस्था है। और यहाँ पर जो सारण जिला के अंतर्गत जो सोनपुर आती है, ये हरिहरनाथ मंदिर का लगातार हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चाची जी जा रही हैं, कहाँ से आ रही हैं चाची? शाहपुर पटोरी से। गंगा स्नान हो गया? हाँ हो गया, अब हरिहर बाखन जाते। हाँ हाँ, कैसा लगा? बहुत सुंदर। हाँ हाँ, भारी मेला। व्यवस्था बहुत व्यवस्था बनी। अच्छा, कृपा करेंगे महादेव? हाँ करेंगे महादेव। हाँ चलिए, जितने भी लोग आ रहे हैं सब लोग खुश हैं। और खुशी इस बात की है कि सुगम दर्शन हो रहा है। और जो तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं, सीधे तौर पे आप देखते चलिए, ये महिलाओं की लाइनें लगातार चल रही हैं। एक दीदी है, आइए ना दीदी, ना बोलने के राजी हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं है, आप सभी लोग सीधे लाइन पे चलते चलिए। और ये जो दो लाइनें बना दी गई है, इसके हम तस्वीरें दिखा रहे थे। और ये देखिए, बांध दिया गया है कपड़ा ताकि किसी प्रकार का अगर भीड़ भाड़ हो, धक्का मुक्की हो, किसी को चोट नहीं आ जाए, किसी को खरोच नहीं आए, ये बड़ी अच्छी व्यवस्था करी गई है। और देखिए गंगा स्नान। दीदी कहाँ से आ रही हैं? मुजफ्फरसराय से। कैसे व्यवस्था है? टाइट व्यवस्था, टाइट व्यवस्था है। पूरा खुश हैं? पूरा खुश है। चलिए, अच्छा गंगा स्नान करके कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं। अच्छा, क्या डुबकी लगाएं? क्या क्या डुबकी लगाएं? पांच डुबकी, पांच डुबकी। चलिए धन्यवाद, दिखाएंगे। आइए ना, एक दीदी है, दीदी है, क्या नाम है? कृति सोनी। कहाँ से आ रही हैं? हम रक्सौल से। रक्सौल से, आप लाइन में नहीं हैं? नहीं, पूजा कर ली है। अच्छा, बच्चा लोग का इंतजार कर रहा है। बच्चा लोग का इंतजार। पूजा व्यवस्था कैसा है मंदिर में? अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ, वहाँ गंगा से पुलिस यहाँ बहुत टाइट है, यहाँ बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया है। अच्छा, हाँ। दो लाइन बना दिया गया है, महिला के लिए अलग, पुरुष के लिए लाइन, ताकि किसी को दिक्कत ना हो, अच्छे से सब पूजा पाठ कर सके। अच्छा, क्या डुबकी लगाए? हम पाँच, पांच डुबकी। अच्छा, पांच डुबकी का सुनते हैं बड़ा महत्व होता है। हाँ, बहुत ज्यादा महत्व है। पांच डुबकी कहते हैं, पांच डुबकी लगाने के बाद ही सूर्य को अर्घ दिया जाता है, जल दिया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, कौन कौन आए आप लोग परिवार से? भाई है, मम्मी है, मेरी सास आई है, सबको, ये सारे फैमिली है। अच्छा, सब परिवार आए हैं, पूरे अच्छे से दर्शन हो गया। चलिए, हरिहरनाथ महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। बाकी लगातार हम तस्वीरें आपको सोनपुर क्षेत्र, मेला क्षेत्र, हरिहरनाथ मंदिर से दिखाते रहते हैं। आप देखते रहिए और सब लोग वीडियो को शेयर करते रहिए। सबका धन्यवाद, सबका शुक्रिया।